हरे कृष्णा। तो इस्कॉन ऑल इंडिया पद यात्रा से मैं हूँ आचार्य दास। तो परम पूज्य गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, उनकी दया कृपा से हम लोग पदयात्रा में, पहले इस्कॉन आरोड़े में था, महाराज जी का जन्म स्थान है, वहाँ पे 9-10 साल सेवा किया और फिर महाराज जी ने मुझे ऑल इंडिया पदयात्रा में सेवा दिया। तो मुझे तो पता नहीं था कैसा पदयात्रा चलाना, क्या उसका कोई एक्सपीरियंस अनुभव कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते थे करिया एक गुरु महाराज की कृपा से मैं फिर पहले सोचा था कि महाराष्ट्र तक मैं घूमूंगा, फिर इतना सक्सेस प्रोग्राम होती जा रहा था। तो पदयात्रा का हमेशा हर जगह पे हर भी कोई पदयात्रा निकालता है वो प्रोग्राम सक्सेस ही होता है, क्योंकि पदयात्रा के साथ गौर निताई निताई गौर सुंदर शिल भोपाल और बड़े बड़े बैल और भक्त लोग होते हैं। आज तक मैं 14-15 सालों से इस पदयात्रा में चल रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम कोई फेल नहीं जाता। हर गांव में जाते हैं तो बढ़िया सा संकीर्तन, ग्रंथ वितरण, प्रसाद वितरण, हरिनाम चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, पृथ्वी त्या चेतनागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए भी मोर नाम, ऐसा कार्यक्रम चलता ही रह रहा है। पहले तो ऑल इंडिया पदयात्रा एक ही थी, अभी गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी कृपा से 8-9 ऐसी पदयात्रा चल रही है और सक्सेसफुली हो रही है। और अभी हम मैराथन कर रहे हैं, अभी गुरु महाराज इधर आए थे, ब्रजमंडल परिक्रमा में हम लोग और महाराज जी मिले हमको और उन्होंने हमको कभी इतना बड़ा टारगेट नहीं दिया था, हमको 1 लाख भगवद गीता का टारगेट दिया। सभी पदयात्रा से मिलाकर हम लोग 8-10 हज़ार भगवदगीता करते थे, लेकिन ये साल हमको 25,000 ऑल इंडिया पदयात्रा के लिए दिया है। ये बड़ी संघर्ष है, लेकिन गुरु महाराज जी बोल दिया, मतलब उनका आशीर्वाद है तो हो जाएगा, मुझे तो गारंटी है पूरा। और हम लोग पूरा लगने वाले इस मैराथन में और हो भी जाएगा, ऐसा हम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो भी है हम लोग पदयात्रा भी करते हैं सालों साल और ये ब्रजमंडल परिक्रमा में भी चलते हैं। तो 37 सालों से ये परिक्रमा चल रही है, मेरा भी भाग्य, मैं भी 13 साल हुआ मुझे, 13 सालों से हर साल हम आते ब्रजमंडल परिक्रमा में, ब्रज रज में इधर रहना है, खाना है, पीना है, सोना है, सब कुछ यही करते ब्रज में पूरा 84 कोस परिक्रमा में। तो बड़ी कृपा है भगवान की और भगवान को प्रार्थना कर रहे थे हम लोग जो परिक्रमा कर रहे थे तब कि मंगल आरती के पहले, इष्ट देव ने कहा था हमको कि आप लोग मंगल आरती के पहले 16 माला जप करिए और बाद में चलते चलते जितना माता माला होगा तो एक्स्ट्रा माला हो जाएगा। और उनकी कृपा से और भक्तों की कृपा से मैं तो प्रयास कर रहा हूँ और उसमें प्रसन्नता या सक्सेस भी मिल गया, तो ऐसा हम साधना सेवा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हो जाती है। और हम साधना सेवा करते हैं तो फिर पदयात्रा करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, थकान नहीं आती, सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम चिंतन भजन करते हैं, उससे एनर्जी हमको प्राप्त होती है, पदयात्रा में चलने के लिए भी आलस नहीं आता और हर चीज़ करने के लिए उत्साह मिल जाता है। हम अभी ये परिक्रमा में चल रहे, कभी कभी 15-20 किलोमीटर चलते हैं, चलने के बाद फिर भक्तों को प्रसाद खिलाना होता है हमको, और प्रसाद खिलाने के लिए कम से कम 1 घंटा वो लोगों को प्रसाद खिलाना होता है, कम से कम 1,000-1,500 भक्त होते हैं, फिर भी आलस नहीं आता लोगों को। हम अगर खाने से पहले दूसरे को खिलाते हैं तो बाद में खाते तो बहुत आनंद मिल जाता है, हम दूसरे को खिलाते हैं तो खिलाने से जो आनंद प्राप्त होता है वो अलग ही आनंद मिल जाता है। तो इस अब बड़ा श्री प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा, उनकी दया, तो ऐसा नहीं तो इसको हमको पता भी नहीं था ये ब्रज का है, वृंदावन का है, कृष्ण भगवान है, कोई पता नहीं था, लेकिन श्री प्रभुपाद जी कृपा, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी की कृपा, उनकी कृपा से हम पदयात्रा भी कर रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं और सभी जगह भी जाते हैं। अभी हमारे पास बड़ा टारगेट है,
हम अभी जनकपुर में है पदयात्रा, ऑल इंडिया पदयात्रा। जनकपुर से अयोध्या आ रहे, हम अयोध्या से जनकपुर गए थे, अभी दूसरे रूट से अभी टेंपल ओपनिंग के लिए आ रहे हैं। जनकपुर से अयोध्या प्रभु रामचंद्र सीता माता को जिस रास्ते से पत्नी के रूप में लेके आए, वही रास्ता हम चूस नियुक्त किया है, वो रास्ते से आ रहे हैं और ग्रंथ वितरण करते करते आ रहे हैं। तो वैष्णव की कृपा है, दया है, तो ये कार्य हो जा रहा है। और परिक्रमा में भी ये पूरा भगवान के ऊपर डिपेंड रह कर चलते हैं हम लोग। अभी परिक्रमा चालू हुआ और दो तीन दिन के बाद इतना बारिश हो गया, रात को भी पूरा बारिश चालू हो गया वो काम्यवन में। ऐसा लगा अभी क्या होगा क्या होगा, लेकिन भगवान ने बराबर अरेंज किया। थोड़ी बारिश हो गई, कई लोग इधर उधर गए स्कूल में और जगह पे, लेकिन दूसरे दिन पूरा वातावरण क्लियर हुआ। और इधर ही हम अभी ये जो लोह वन है, 25 साल ये परिक्रमा का 25वां साल था और बहुत भक्त थे, 2,500 भक्त थे। और रात को इतना तूफान आ गया, ऐसा लगा कि अभी इधर तो कोई स्लैब का नहीं, ये टेंट आप लोग देखते हैं, टेंट में रहना था। और अभी क्या करना, रात को कहीं इधर आसपास में कहीं स्कूल है, घर है, कोई कुछ है ही नहीं था, ऐसा ही जंगल में हम फंसे थे। लेकिन उसी टाइम पे शिल प्रभुपाद जी के शिष्य थे जन निवास प्रभु और पंकज आंगरे प्रभु और भी भक्त लोग थे, इतना हे राधे, हे गौरांगा, हे नित्यानंद, हे नरसिंह देव, ऐसा करके 5 मिनट प्रार्थना किया। हवा बहुत तूफान आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब टेंट सब गिर जाएंगे। एक दो टेंट गिर गए माता जी के, लेकिन वो प्रभु और सभी भक्तों ने प्रार्थना किया, गौरांगा, हे राधे, ऐसा बोल दिया। तो इधर का तूफान 1 किलोमीटर दूर जाके उधर गिर गया। हम दूसरे दिन यहाँ से लोहवन से उधर महावन जा रहे थे दाऊजी की तरफ। रास्ते में कम से कम पैर घुटने तक पैर अंदर जमीन के अंदर ढस रहे थे, इतना बारिश उधर हुआ, इधर नहीं बारिश हुआ। ऐसा पूरा परिक्रमा है, पदयात्रा है, पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंड होके चलते हैं। तो बड़ा कभी भी आपको अवसर मिल जाता है तो ये परिक्रमा है या पदयात्रा में आना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी लोकनाथ महाराज जी को बताए थे कि ऐसे लाखों करोड़ों ऐसी पदयात्रा होना चाहिए। हाँ, तो श्री प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी ऐसा, और वो हो रहा है, प्रयास करें। महाराज जी ने 108 कंट्री में तो पदयात्रा का आयोजन किया था। और पिछली बार हमने एक अनुभव, हर साल ब्रजमंडल परिक्रमा मथुरा से स्टार्ट होती है, फिर भात्रोन अक्रूर घाट होते हुए मथुरा जाती है। लेकिन महाराज जी की बहुत इच्छा थी गोवर्धन परिक्रमा करना, प्रभुपाद जी की भी इच्छा थी कि उनकी लास्ट 4-5 दिन पहले भगवत धाम जाने के पहले महाराज जी को बताया था कि मुझे गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाना है। लेकिन वो डिज़ायर लास्ट ईयर महाराज जी ने पूरा किया। और भगवान की कैसी दया कि 37 ईयर से परिक्रमा चल रही, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मधुवन तालवन कुमुदवन भोलावन से राधा कुंड जाते थे। लेकिन पिछली बार इतना बारिश हो गया कई भक्त पैदल नहीं गए, बस से जाके आ गए। बाद में महाराज जी की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान ने भी सहयोग दिया, बारिश गिरा दिया, उधर का रास्ता पूरा बंद हो गया। और फिर कम से कम 2,500 भक्त थे और 2 पदयात्रा, ऑल इंडिया पदयात्रा का रथ और नोएडा पदयात्रा का रथ, दोनों एकदम साथ में आके और भक्ति वेदांत मार्ग से ऐसा लग रहा था कि पूरा एक बड़ी गंगा जी समुद्र के अंदर जा रही है, ऐसा इतना भक्तों का बड़ा कीर्तन। महाराज जी एक रथ में बैठे, राधारमन महाराज जी एक रथ में बैठे है। और फिर वो परिक्रमा गोवर्धन में आए, गोवर्धन का भी परिक्रमा करा दिया। तो शुद्ध भक्त अगर इच्छा करते हैं तो भगवान की उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान को जाना पड़ता है। ऐसा हमको राधारमन महाराज जी बहुत बढ़िया कथा बताए, रूप जो टेर कदम के नीचे राधा रानी सनातन रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे और सनातन गोस्वामी आए। रूप गोस्वामी ने मन में ही सोचा कि उनके लिए थोड़ा खीर बनाना चाहिए। अब उनके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन राधा रानी स्वयं दूध और खीर में जो लगता है वो मटेरियल लेके आई, राधा रानी ने अपने हाथों से बना दिया और सनातन गोस्वामी को खिला दिया। तो रूप सनातन गोस्वामी ने कहा कि अरे तुम ऐसा कभी इच्छा नहीं करना कि भगवान को सेवा में लगाना ऐसा, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनकी भी इच्छा होती है ज़्यादा प्रचार हो, ज़्यादा प्रचार हो।
तो ये प्रचार का बड़ा बहुत अच्छा सरल तरीका है ये परिक्रमा पदयात्रा। तो आप जितने भी भक्त सुन रहे हैं या सुनेंगे, आप सभी के चरणों में प्रार्थना करते हैं आप कम से कम एक दिन पदयात्रा में आ सकते हैं। दिव्य आनंद, भगवान के साथ चलना, खाना पीना, सोना बैठना, हम लोग गोलों की बात करते तो ये तो बहुत दूर की बात है गोल, लेकिन अभी ये भौतिक जगत में भी हम रहते हुए हमारा मन गोलोक बना सकते हैं, हमारा हृदय गोलोक बना सकते हैं। हाँ, तो अभी हम ये धाम में चल रहे हैं, धाम में भी आजकल पाप कर्म हो रहा है, ये वैकुंठ है, वैकुंठ भी कुंठ हो रहा है, दुख हो रहा है या लोग परेशानी में है, लेकिन भक्त शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है तो उनकी जो रियल स्थिति है उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ा श्री प्रभुपाद जी की बड़ी देन है, उन्होंने इसको संस्था स्थापित किया। अभी देखते हैं हम परिक्रमा में बहुत सारे विदेशी भक्त है, बिना नंगा पैर से चलते हैं, पैर में बहुत सारी छालियाँ आ गए हैं, उनका फेस पहले देखा था फेस कैसा, अभी देखते तो पूरा ओरिजिनल उनका फेस आ गया। ब्रज के रज में चलना है, कई लोग जूते नहीं पहनते, वो बोलते ब्रज रज और उसके बीच में हमारा चप्पल नहीं आना चाहिए, हमेशा भगवान का ब्रज रज के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए ऐसा। अभी हम लोग बेलवन में थे, राधारमन महाराज जी ने कहा अरे गो उधर गौशाला में बैठे थे, बोलते कितना बड़ा भाग्य, गाय का गोमूत्र है, गोबर उसमें मिक्स हुआ है, गो धूली गाय के चरणों की रज और ब्रज रज, ऐसा इतना पूरा के पांच जो भक्ति के अंग है वो सब ये ब्रज में मिल जाते हैं। और इधर भी कहा है भक्ति के पांच अंग, भक्तों का संग है, भागवत श्रवण है, अर्चा वगैरह की आराधना है, नाम संकीर्तन है, तो इधर सभी पांचों भक्ति के जो महाबल अंग है वो हमको प्राप्त होता है। रोज हजारों भक्त एक साथ में मंगल आरती में आते हैं, एक साथ में चलते हैं, एक साथ में प्रसाद खाते हैं और भागवत श्रवण होता है, कथा होती है, विग्रह निताई गौर सुंदर की आराधना होती है, मतलब भक्ति की जो पांच अंग बताए हैं धाम वास भी हो रहा है, सब परिपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग भी एक बार जिंदगी में एक बार तो ब्रजमंडल परिक्रमा है करना ही चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम लोग बिजी है बिजी है बिजी है, फिर हम लोग सुझाव देते हैं आप एक महीने की परिक्रमा नहीं कर सकते, 15 दिन की करिए, 2 साल में एक बार परिक्रमा करिए, नहीं होता है तो 10-10 दिन का, 10 दिन ये साल 10 दिन, दूसरे साल 10 दिन, तीसरे साल 10 दिन, ऐसा करते हैं तो भी एक महीने की ब्रजमंडल परिक्रमा हो जाती है। और जो परिक्रमा में आता है तो उसको बाकी दूसरा कोई दर्शन बाकी नहीं रह जाता, सभी और ब्रज में सभी तीर्थ है, तीर्थ और ब्रज में भी तीर्थ है। और हम ये ब्रज मंडल परिक्रमा होने के बाद अभी अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, अभी अयोध्या जा रहे हैं, जनकपुर जा रहे हैं, ये भी बड़े तीर्थ है और चलते बोलते तीर्थ है प्रभुपाद जी। हाँ, और प्रभुपाद जी के जितने भी सन्यासी शिष्य है, गुरु वृंद है, हाँ वो तो चलते बोलते तीर्थ है, तीर्थ में जाके हमको उधर जैसे सुनना पड़ता है, लेकिन ये जो महान भक्त है वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो वृंदावन को लेके जाते हैं। प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, उधर वृंदावन की स्थापना किया, न्यू वृंदावन, और जहाँ प्रभुपाद जी जाते थे वहाँ का माहौल एकदम वैकुंठ जैसा बदल जाता था। वैसा ही हमको जितना भी चांस मिलता है, संधि मिलता है, ये कब ये जैसा टायर के अंदर हवा होती है और पंचर होने के बाद कब हवा निकल जाएगा, कब गाड़ी बंद पड़ेगी पता ही नहीं, आगे नहीं चलेगी, वैसा शरीर है, कब प्राण जाएगा पता नहीं, लेकिन जितना भी हमारे अंदर शक्ति है, बुद्धि है, तन मन धन से परिक्रमा या पदयात्रा की सेवा करते हैं बहुत भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी। तो कलानाथ प्रभु को भी धन्यवाद, मैं तो बहुत बिजी था लेकिन प्रभु ने मुझे जबरदस्त या जबरदस्ती से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको टाइम है तो थोड़ा 2 शब्द बोल दीजिए, कहीं त्रुटि होगी तो क्षमा करना। हरे कृष्णा।